रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी मिशन 2022 में शाह ने मंत्रियों को दिया चुनावी मंत्र, कहा जीती सीट पर तो जीत चाहिए ही, हारी सीटों को भी कब्जाओ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रज और पश्चिमी क्षेत्र के चुनावी मैनेजमेंट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ सर्किट हाउस में लंबी बैठक की। अमित शाह ने भाजपा पदाधिकारियों से कहा कि इस बार 300 से ज्यादा विधानसभा सीटें लानी है। उन्होंने जीती सीटों पर इस बार ज्यादा अंतर से जीत हासिल करने और हारी सीटों को हर हाल में कब्जाने के मिशन में जुटने को कहा। प्रचंड जीत के लिए अपने अपने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में डटने और इस मिशन में किसी प्रकार की समस्या को बताने के लिए भी कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को भले ही 7 मिनट संबोधित किया हो, लेकिन सर्किट हाउस में भाजपा ब्रज क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने लंबी बैठकें की। बैठक में शामिल पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि शाह पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के लिए जी जान से जुट जाएं। जिन सीटों पर पिछली बार जीत दर्ज की थी उन सीटों को तो हर हाल में जीतना है, हारी हुई सीटों को भी कब्जाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली से पश्चिमी यूपी का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सर्किट हाउस में बरेली से लेकर मेरठ के भाजपा का ऐसा कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं था जो बैठक में मौजूद ना हो। यूपी विधानसभा चुनाव के करीब आते ही पार्टी में नए सिरे से जान फूकेंगे पीएम मोदी। 9 जनवरी को लखनऊ में रैली, पार्टी ने शुरू की तैयारियां। आगामी 9 जनवरी को भाजपा लखनऊ में एक बड़ी रैली करने की तैयारी में है। पार्टी की सभी जन विश्वास यात्राएं तब तक खत्म हो जाएंगे। इस बड़े शो के जरिए पार्टी अपने चुनाव अभियान का विधिवत श्री गणेश करेगी। इस रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। गत दिवस गृह मंत्री अमित शाह की लखनऊ यात्रा के बाद इसकी तिथि फाइनल हो गई है। इससे पूर्व 2 जनवरी को प्रधानमंत्री का मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी यूं तो बीते 2 महीने में पूरे प्रदेश को मथ चुके हैं। उनके प्रदेश के हर हिस्से में कार्यक्रम हुए हैं जिसमें उन्होंने अरबों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मगर पार्टी के स्तर पर उनकी पहली रैली 9 जनवरी को लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में होगी। पहले इसे रामाबाई अंबेडकर मैदान में करने की योजना थी, मगर कोरोना और भीड़ को देखते हुए इसे डिफेंस एक्सपो मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस रैली में प्रदेश भर से भाजपाई एकत्रित होंगे। पार्टी ने रैली की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जनवरी को लखनऊ आएंगे। वे यहां IIM चौराहे के निकट दुबग्गा में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सहसवान सीट से बसपा के हाजी बिटन को मिला टिकट। जाने अन्य दलों ने किस पर खेला दाव। विधानसभा चुनाव में बसपा ज्यादा शोर शराबा तो नहीं कर रही है, लेकिन वितरण के मामले में सबसे आगे चल रही है। दातागंज और सदर सीट के बाद अब सासवान सीट पर भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने बिलसे से विधायक रहे हाजी बिटन निले पर दांव लगाया है। खामोशी से पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर रही है। 15 जनवरी से बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने की तैयारी की जा रही है। इस बार बसपा दमदारी से चुनाव लड़ने की कोशिश करती दिख रही है। भाजपा, सपा और कांग्रेस अभी तक एक भी सीट पर टिकट फाइनल नहीं कर सकी है, जबकि बसपा ने दातागंज से रचित गुप्ता, बंदायू से राजेश कुमार सिंह का टिकट पहले ही घोषित कर दिया था। खामोशी से सहसवान में पूर्व विधायक हाजी बिटन अली का टिकट फाइनल कर उन्हें मैदान में उतार दिया गया है। बसपा की गतिविधियां संगठन के माध्यम से बूथ स्तर पर चल रही हैं। कुछ विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन जरूर हुए हैं, लेकिन इसके बाद पार्टी ने अभी तक कोई बड़ा आयोजन नहीं किया है। 15 जनवरी से बड़े कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। यूपी मदरसा बोर्ड के छात्रों को तोहफा देने जा रही है योगी सरकार। सरकारी नौकरियों की खुलेगी राह। कैफुल बरा ने बताया है कि यूपी मदरसा बोर्ड अब भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल कोपसे में पंजीकरण होगा। ये पंजीकरण यूपी मदरसा बोर्ड के छात्रों का सेना के साथ ही केंद्र एवं अन्य राज्य सरकारों की नौकरियों के लिए आवेदन का मार्ग खोलेगा। पंजीकरण के बाद मदरसा बोर्ड को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधानिकता मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकेडमी के अध्यक्ष कैफुल वरा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से पढ़ाई करने वाले छात्रों को नए साल में योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। सूबे के करीब 17,000 मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सेना सहित विभिन्न सेवाओं में नौकरी करने एवं विदेश में भी उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने का रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा से कोपसे में पंजीकरण होने के कारण यहां के छात्र प्रदेश से बाहर नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ वोट की राजनीति की है, मुसलमानों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे का कहना है कि कोपसे में पंजीकरण होने से मदरसा बोर्ड के छात्र छात्राओं को न सिर्फ केंद्र व अन्य राज्य सरकारों की नौकरियों के आवेदन में आसानी होगी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके लिए नए रास्ते खुल जाएंगे।
रायबरेली में बोले सीएम योगी, भ्रष्टाचार की बदबू फैला रहा समाजवादी इत्र, कांग्रेस मरा हुआ सांप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कांग्रेस की गढ़ रायबरेली में कांग्रेस पर ही हमला बोलते हुए पार्टी को मरा हुआ सांप और आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगों और भ्रष्टाचार की जड़ बताया। उन्होंने समाजवादी पार्टी सपा पर तंज कसते हुए और कहा कि समाजवादी इत्र भ्रष्टाचार की बदबू फैला रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिनेश प्रताप शाही, अदिति सिंह और हाल ही में शामिल हुए राकेश प्रताप सिंह जैसे सक्षम नेताओं के सहयोग से भाजपा रायबरेली के समग्र विकास की दिशा में काम कर रही है और कांग्रेस के साथ साथ नकारात्मक को भी दूर कर रही है। वे रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने इस दौरान 834 करोड़ रुपए की लागत वाली 381 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। रायबरेली के कुछ विधायक भाजपा में शामिल, वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनके समर्थन से मुझे विश्वास है कि रायबरेली से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाते हुए कांग्रेस देश में आतंकवाद, उग्रवाद, सांप्रदायिक दंगों, भ्रष्टाचार की जड़ थी। उन्होंने सपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के लोग अब कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का अर्थ है जिस गाड़ी में कोई सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा कोई गुंडा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने समाजवादी यात्रा का नारा दिया वे हकीकत में भ्रष्टाचार की बदबू फैलाते हैं। 2022 में चुनावी माहौल के बीच दिव्यांग यात्रियों को नए साल की सौगात देगी योगी सरकारी बसों में करेंगे मुफ्त सफर, इन्हें भी मिलेगी सुविधा। लखनऊ में चल रही 60 AC इलेक्ट्रॉनिक बसों में नए साल से दिव्यांग यात्री मुफ्त में सफर कर सकेंगे। इनके अलावा 6 अन्य श्रेणियों के लोगों को भी मुफ्त सफर का तोहफा देने की तैयारी है। 5 जनवरी को मंडलायुक्त के यहाँ होने वाली सिटी ट्रांसपोर्ट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि प्रस्ताव को मंजूरी भी दी जाएगी। यही नहीं, नए साल पर 60 नई AC इलेक्ट्रॉनिक बसें भी शामिल के जाएंगी। बोर्ड की बैठक में संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी पर भी निर्णय लिया जा सकेगा। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के प्रबंध निदेशक पल्लव बोस ने बताया है कि बैठक में इन सभी प्रस्तावों को रखा जाएगा। दिव्यांग संसद सदस्य, लोकसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य, सूचना निदेशालय के मान्यता प्राप्त पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, सरकार द्वारा सम्मानित बेसिक व माध्यमिक स्तर के शिक्षक कर्मचारी, लोकतंत्र रक्षक सेनानी निःशुल्क यात्रा के लिए अनुमान्य होंगे। नए साल पर सीएम योगी का रामपुर दौरा, 5वीं बार जिले में होगा आगमन। भाजपा की जनविश्वास यात्रा का करेंगे समापन। 16 जिलों से होकर आने वाली भाजपा की जनविश्वास यात्रा का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नव वर्ष की शुरुआत पर रामपुर जिले में समापन करेंगे। साथ ही जिले में 95 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनविश्वास यात्रा मुरादाबाद के बिलारी से होकर रामपुर के सैजनी, शाहबाद, पटवाई, धमौरा होते हुए राठौड़ा पहुंचेगी। कार्यक्रम के अनुसार जनविश्वास यात्रा में दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से तहसील मिलक के राठौड़ा में आयोजित जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 95 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 15 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास के साथ साथ राठौड़ा मंदिर मेला परिसर के सभा स्थल पर जनता को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी 1 घंटा 5 मिनट तक रामपुर में रहकर हेलीकॉप्टर द्वारा वापस लखनऊ रवाना होंगे। मुख्यमंत्री 5वीं बार जिले में आ रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 माह पूर्व जिले में आए थे और करोड़ों रुपए की परियोजनाओं और योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया था। राठौड़ा जनसभा स्थल पर मुख्यमंत्री दूसरी बार पहुंचेंगे। साल 2022 की भयावह शुरुआत, वैष्णो देवी में बड़े हादसे से मची भगदड़, भारी संख्या में मौतें। साल 2022 की शुरुआत में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल हाल ही में मिली जानकारी के तहत माता वैष्णो देवी मंदिर में नए साल पर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई है। वहीं इस दौरान मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि अब तक मरने वालों की संख्या 13 तक पहुंच चुकी है। मंदिर के अधिकारियों ने कहा है कि भगदड़ तब हुई जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना अनुमति पर्ची के माता वैष्णो देवी भवन में प्रवेश कर गए। अधिकारियों ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से राहत और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से हुई जानमाल की क्षति से बहुत दुखी हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी सभी मृतक परिवारों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है। पीएमओ ने कहा कि भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को ये राशि दी जाएगी, साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। घटना करीब 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। आज आपके खाते में 2,000 रुपए भेजेंगे पीएम मोदी, दोपहर 12 बजे खाते में आ जाएगा पैसा। आज आपके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10वीं किश्त भेजी जाएगी। 10वीं किश्त के 2,000 रुपए दोपहर 12 बजे तक लाभार्थी किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। आर्थिक सहायता उपलब्ध करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किसानों के खातों में किश्त भेजने की प्रक्रिया को
पूरा कर लिया गया है। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त ₹2000 ट्रांसफर करेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संघ की इक्विटी अनुदान की राशि भी जारी करेगी। सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर से कम भूमि के किसानों को 6000 सालाना केंद्र सरकार की ओर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। ये ₹2000 प्रति 4 माह के अंतराल पर किसान के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 10वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री के बाद योगी आदित्यनाथ की किसान सम्मान निधि का लाभ दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की जा रही है। आपको बता दें, इसके तहत योगी आदित्यनाथ की सरकार किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की पहली किस्त ट्रांसफर कर सकती है चुनाव से पहले। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, किसका होगा यूपी, किसकी होगी जीत, किसकी बनेगी सरकार, क्या आएगा यूपी में योगी राज, या जीतेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, या फिर यहां पर मायावती भी पासा पलट सकती हैं, या फिर दिखेगा कांग्रेस का पंजा। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में कि अब की बार किसकी सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही है 139 विधानसभा सीटें। फिर बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही है 211 विधानसभा सीटें। और आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में यहां पर आ रही हैं 31 विधानसभा सीटें। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर मिल रही हैं 22 विधानसभा सीटें। अन्य के खाते में जा रही हैं 6 विधानसभा सीटें। आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें कि आपकी किसकी सरकार बनने की संभावना है।